Assalamualaikum guys, welcome to Bam new vlog। ये बच्चों का स्टडी टाइम चल रहा है। ये सारा को भी ऑयलिंग किया है, नूर हरम को भी ऑयलिंग किया है, दुआ को भी ऑयलिंग किया, दुआ सो गई है। सुबह स्कूल जाने से पहले इनके सर वॉश करूँगी, इन्हें शावर दूंगी। और ये हरम का स्टडी टाइम चल रहा है। हरम भी कहती है मैंने आपा के साथ पढ़ना है। पढ़ो एट सॉक्स, पढ़ो शूज, एट ब्लॉक, एक वन वन अच्छा बात तो वन वन। Assalamualaikum guys, welcome to vlog। मामा ने हमारे घर में केला लाया था, मैंने चली थी मामा, मैंने कहा था मामा जूस ले गाड़ो, मैं भूल गई आपका अच्छा लगा ला, आपका अच्छा लग रहा है, ये कौन और क्या कर दिया। हरम आप क्या पढ़ रहे हो? And then, हरम कहाँ पाल ले हो? क्या हाल है? कहाँ पाल ले मेरा बच्चा? गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, फीवर आई इन्फेक्शन की वजह से, बाद में फीवर भी हो गया, गला भी ख़राब, फ्लू। हरम की भी आइस ख़राब हो गई, काफ़ी बेहतर है अब। ये थोड़ा सा ये देखें, ये छोटी छोटी लग रही है और ये बड़ी। मेरी भी हो रही है। ये जारा की भी खराब हो गई थी, इसे भी आईज पिंक का इंफेक्शन हो गया था। दुआ को भी बुरी बात पाँव नहीं रखते। अब बस मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बच्चों को चलाऊंगी, चार पी वगैरह की चादर ये देखे ना बच्चों ने, ये साइड पे हो जाती है। तो पहले मैंने स्टिच की हुई थी साथ, लेकिन उस तरह से वो अंदर खटमल वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो फिर मैंने उसे खोल दिया। अब फिर इसे ना हर परसेंट वॉश करवाऊँगी जी। ये दुआ सो गई है, ये देखिए ये इस तरह से सारा ये बिखरा हुआ है। कपड़े वगैरह में इनके सुबह जो स्कूल जाना था, कपड़े रेडी कर रही थी। हर चीज़ मुँह में नहीं डालते बेटा। बुरी बात। राम क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर लो, क्लैपिंग आई सद के जाऊँ माशाल्लाह। क्लैपिंग करने से बहुत ज़्यादा खुश होती है, देखने से बोलो क्लैपिंग करो तो। हरम क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर लो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हरम ओए सद के जाऊँ, क्लैपिंग कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो। इसकी हाला ने से क्लैपिंग सिखाई हुई है तो बहुत खुश होती है क्लैपिंग करके। ये देखे ना हरम आई सद के जाऊँ माशाल्लाह। क्लैपिंग कर लो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, ज़ारा को भी बोलो क्लैपिंग करे। आपा क्लैपिंग कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब हरम क्लैपिंग करेंगी, वो डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से, वो हेल्दी औजारों से नहीं छेड़ा करो बेटा। चलो क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। इसको आईज इन्फेक्शन हुआ था, इसी वजह से मैं इसे काफ़ी थोड़े दिन से मैं सुरमा वगैरह नहीं इसको आंखों में डाल रही। इंशाल्लाह दो दिन तक फिर इसे डाला करेंगे सुरमा डाला, वो बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। गाइस से बातें करो, बोलो गाइस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ये देखिए सारा केक खा के इसने सारा बिखेर दिया। अभी सारी चादरें वगैरह मैं नीट करूँगी, सारी चादरें बिछाऊँगी दोबारा से। और ये देखिए ये
ये इनके सन ग्लासेस हैं, इनका आईज इन्फेक्शन हो गया हुआ था तो ये लगाती थी, तो अभी ये उल्टा लगा लिया इससे। हेलो मल्लाला करो, अल्लाह चलो जी गाइस, मैं सारा नीट कर लूँ फिर मैं आपको मिलती थोड़ी देर तक। ये हरम माशाल्लाह से इसी तरह हरम की वीडियो लगा लेती है और देखती रहती है, बहुत खुश होकर इसको देखना बहुत पसंद है। जब कभी टीवी बंद कर दो तो इतना रोएगी, शोर करेगी कि क्यों बंद किया मैंने देखना, और अक्सर तो साथ देखती रहती करेगी अल्लाह अल्लाह। तो ये बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि हमें हलवा खाना है, तो ये मैं दूध और सूजी वाला हलवा बना रही हूँ। सूजी को पहले भून लूँगी अच्छी तरह से, और अगर आप चाहे तो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स से कुछ बादाम थे और पिस्ते थे, इन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी। कुछ काट लिए थे, कुछ रह गए थे। और ये सूजी को अच्छी तरह तब तक भूनना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू नहीं आती। जब इसका कलर चेंज हो जाता फिर इसमें दूध ऐड करूँगी, लेकिन दूध गर्म ऐड करना है क्योंकि ये गर्म होगी तो इस वजह से वो ठंडा दूध ऐड करेंगे तो वो सख्त हो जाएगी, तो इसलिए गर्म दूध थोड़ा सा नीम गर्म दूध करके तो वो ऐड कर लेंगे इसमें, और अच्छी तरह भूनती रहूँगे। चम्मच चलाते रहना कि इक्वल एक जैसी ब्राउन हो, ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा जल जाए और कहीं से कच्ची कच्ची रह जाए। तो मौसम की चेंज की वजह से एलर्जी हुई है, काफ़ी गला ख़राब है, काफ़ी तकरीबन लूज मोशन वगैरह मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे डेली। तो बाकी इंशाल्लाह कुछ बेहतर होंगी तो व्लॉग वगैरह कंटिन्यू करूँगी डेली। अभी मैंने इसमें थोड़े से आलमंड्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, हाफ मैंने पहले डाला कि वो भी थोड़े से साफ भून जाए, और बाकी जो हाफ है वो मैं गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी। ये तकरीबन मेरी 70% हो गई है, अब थोड़ा सा और भूनेंगे फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। ये दूध मैंने इसमें डाल लिया और इसमें आप चम्मच चलाते रहेंगे। दूध डालने से इसका यह कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का, जैसे खोया खोया टाइप आता है, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। आप भी कभी ट्राई करें, ट्राई करके मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि कैसा बना था। चीनी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, तो चीनी का क्लिप मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा तो इग्नोर हो रही थी, उसको देखने के लिए चली गई तो चीनी ऐड करने के लिए नहीं किया। और सामने इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला जर्दा रंग, जिससे इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा, येलो येलो सा बड़ा मज़े का कलर आएगा। और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना। इधर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे दूध कम है और अभी थोड़ी सी नहीं पकी, तो मैं इसमें दूध दोबारा फिर ऐड करूँगी, और इसे तब तक भूनना है जब तक ये बर्तन को छोड़ नहीं देता, बर्तन अलहदा हो जाए और जो है हलवा अलहदा हो जाए। और ये मेरा हलवा रेडी हो गया था, इसके बाबा को शॉप पे भी भेजा मैंने और बाकी बच्चों को भी दे दिए, ये बच्चों के लिए निकाले थे, बच्चे ड्राई फ्रूट्स कम इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए मैंने कम ही डाले थे, इसके बाबा को मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल के दे दिए थे दुकान पे भेजने के लिए। अब ये नेक्स्ट डे था तो बच्चों के लिए दुआ फातिमा को फरमाइश थी कि अब मुझे चिकन ब्रोस्ट खाना है जो मामा आपने लास्ट टाइम पर बनाया था, और ये सारे मसाले वगैरह मैंने दही में डाल के मिक्स कर लिए। इसकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए आपको तो अब मैं इधर बेल आइकॉन में ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, आप उधर जाएँ और देखें। ये मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चिकन ज़्यादा था इसमें, पर लास्ट टाइम मैंने वो जो है ना फुल चिकन लिया था, तो इस बार पर मैंने फुल जो इसकी ब्रेस्ट वो नहीं थी, बस मैंने 8 जो है ना वो लिए थे लेग पीस, तो उन्हें मैं अच्छी तरह से मसाला लगा दूँगी। और ये हरम ने अब अपने म्यूज़िक वगैरह ऑन कर लिया, इसी तरह से सारा दिन बातें करती है, और जब इसकी नहीं सुनो तो फिर गुस्सा कर जाती है। तो ये मैंने जो चिकन था उन्हें अंदर तक 11 टक लगा लिए थे, और उन्हें मैंने अच्छी तरह से मसाला ऐड कर दिया था। बाकी आपको अगर मसाला वगैरह की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं चिकन दोस्त के नाम से। तो ये मेरा तकरीबन हो गया था, और ये मैंने इस मरतबा इस कढ़ाई में रखा था, और इधर लिट थी जो इनके जो सुराख था, जिस वजह से मैंने इस पर आटा लगा दी कि इसकी स्टीम बाहर नहीं आए। तो आपने ढक्कन बार बार नहीं उठाना, ढक्कन तकरीबन 1 बाद उठाना है और उसकी साइड चेंज करके और फिर ढक्कन रख देना। अगर बार बार ढक्कन उठाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसे बार बार नहीं उठाना। बाकी आपको जब मैं मुकम्मल मेरी रेडी हो जाती है फिर मैं आपको
दिखाती हूँ और दुआ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत खुश होकर खाती है और उसी की फरमाइश पे आज फिर बना था दोबारा। ये घंटा हो गया था और मैंने अब इसकी साइड चेंज की थी और साइड चेंज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो ये है कि लेकिन मैंने वो चेंज कर ली जैसे तैसे करके। तो ये देखिए तकरीबन काफ़ी अच्छा भाग गया, 70-80% भाग गया। बस बाकी दूसरी वाली साइड भी करेंगे, फिर बाद में जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा इसमें पानी ऐड नहीं करना हमने, जब ये जो चिकन और दही है वो अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, उसी में पकेगा, उसी में स्टीम होगा। और ये देखिए पानी मेरा खुश्क हो गया, मैं इसे थोड़ा सा रह गया, बाकी भी मैं अच्छी तरह से खुश्क करके और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसे भून लूँगी, थोड़ा सा जैसे गोल्डन सा कलर ले आऊँगी इसके ऊपर, और जो बाकी जो मसाला इसमें रह जाएगा वो इसके ऊपर चिकन के ऊपर ही लगा दूँगी। जब मैं रिकॉर्डिंग बस और कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी तो दुआ मेरे पास लेटी हुई थी बार बार, मैं बहुत मुश्किल से ये एडिटिंग किया, तकरीबन 3-4 दिन के ये वीडियोस के लिए जो ऐड किए थे, तो मैं बार बार मेरा फीवर चेक कर रही थी कि मामा आपको फीवर ज़्यादा तो नहीं। और ये आज टीचर डे था तो फिर मैंने ये बच्चों के लिए कार्ड प्रिपेयर किए, बाहर से पता किया लेकिन वो ख़त्म हो गए थे, तो ये दुआ फातिमा के लिए बनाया था कुछ इस तरह से, जैसे मुझे बनाने तो नहीं था लेकिन कोशिश की जिस तरह के बने तो बना दिए। और ये कुछ टीचर्स के बारे में लिख दिया था मैंने, थोड़ा सा राइटिंग मेरी कोई इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी टाइम हो गया है कि लिखना छोड़ दिया, तो बस जस्ट ज़रूरत पड़े तो कुछ थोड़ा बहुत लिखने लगे, लेकिन इस वजह से राइटिंग अच्छी नहीं। तो बाकी है कि ये दुआ का बन गया था, ज़्यादा का भी मैंने बनाया था, डिफरेंट कलर बनाए थे, डिफरेंट डिज़ाइन बनाए थे दोनों के। और ये मेरा रेडी हो गया था, थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी नहीं आई इसकी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, काफ़ी साल पहले थोड़ा सा करती होती थी कि जो चीज़ें डेकोरेटिंग की बना लेनी, तो ये हरम मेरे पास बैठी हुई थी रात का तकरीबन 12:30 हो गए थे और ये मेरे साथ कर रही थी। और ये बच्चों के मैंने जो कपड़े वगैरह धो के वो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह इधर ही डाल लिए थे ताकि वो जल्दी से खुश्क हो जाए पंखा ऑन। और ये ज़ारा का मैंने बना दिया था, दोनों का डिफरेंट था डिज़ाइन और इस तरह से कुछ। और ये मैंने कुछ उनके बारे में टीचर्स के बारे में लिख दिया था। और लास्ट में मैंने ये जो बाकी थी जगह उधर मैंने थोड़ा सा कुछ ऐड कर दी थी ग्लिटर्स वगैरह। और ये नेक्स्ट डे जब बच्चे उठ गए थे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे तो उनको मैंने कार्ड वगैरह दिया, दुआ और ज़ारा देख के बहुत खुश हुई, मामा आपने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हैं, तो अब हम जाकर टीचर को देंगे। टीचर का साथ इन्होंने एक एक डेयरी मिल्क दी और ये कार्ड दिए टीचर्स डे पर। तो ये इस तरह से बच्चे रेडी थे स्कूल जाने के लिए, बस रिक्शे वाले का इंतज़ार था कि रिक्शे वाला आए और इन्हें स्कूल लेके जाए। ये कार्ड देख रही थी और बता रही थी कि हमारे कार्ड किस तरह से मामा ने बनाए हैं, और देख के बहुत खुश हो रही थी। और ये देखिए मैं ना ये लास्ट पे मुझे थोड़ा सा सिंपल सिंपल लगा तो ज़ारा का जो था तो उस पर मैंने थोड़े से ग्लिटर कट करके तो मैंने उस पर ग्लिटर्स वगैरह लगा दिए। तो इस तरह से बच्चे अब बहुत खुश थे जा रहे थे और बता रही थी दुआ और ज़ारा कह रही थी कि हम टीचर को बोलेंगे हैप्पी टीचर डे। तो वो टीचर नहीं थी बोल रही थी हैप्पी डे हैप्पी डे। और ये सुबह सुबह नूर हरम भी उठ गई थी और ये डेली इसी टाइम में उठ जाती है अपने आपा को मिलने के लिए, वो आपा बोलती हैं दोनों को, कभी तो उनका नाम भी ले लेती है। और ये इनकी ये डेयरी मिल्क और कार्ड लेके थोड़ा सा टिकटॉक बना रही थी और ये टिकटॉक बनाए थे और उतनी देर में इनका रिक्शा वाला भी आ गया था। बाकी हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए, ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।